डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का सॉल्यूशन और इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ को रीड करना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो फर्स्ट हमारा क्या है दी फॉलोइंग ग्राफ शोज दी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आर अब जो हमें ग्राफ ये मिलेगा ये जो ग्राफ है ये पेशेंट के टेम्परेचर का ग्राफ है और हमें इसके बिहाव पे देने हैं आंसर अब पहले इसको ही समझ लेते हैं ये क्या है देखिए नाइन ये हॉजोंटल लाइन है और ये है वर्टिकल लाइन यहाँ पे वन आर का गैप लिया गया है नाइन ए एम फिर टेन ए एम इलेवन ए एम ट्वेल्व नून वन पी एम टू पी एम थ्री पी एम ये तो टाइम है और यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे क्या है टेम्परेचर वो डिग्री सेल्सियस में अब देखिए थर्टी फोर से स्टार्ट है इस लाइन को स्लैक लाइन बोलते हैं जब हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे जो हमें आगे करने हैं इस एक्सरसाइज में भी और इस पूरे चैप्टर में भी वहाँ अगर हम जीरो से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं तो वहाँ इस स्लैक लाइन का यूज़ करेंगे अब ये थर्टी फोर है फिर यहाँ जो ग्राफ पे फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट है वहाँ वन का गैप यानी ये थर्टी फाइव है इनके बीच में ये इसका हाफ़ है ये है थर्टी फोर पॉइंट फाइव और वो डिग्री सेल्सियस में है ऐसे ही ये थर्टी फाइव पॉइंट फाइव और थर्टी सिक्स थर्टी सेवन के बीच में थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ऐसे ही थर्टी सेवन और थर्टी एट के बीच में आ जाएगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव थर्टी एट और थर्टी नाइन के बीच में थर्टी एट पॉइंट फाइव अब ऐसे ही नाइन और टेन के बीच में नाइन थर्टी ये टेन थर्टी इलेवन थर्टी ट्वेल्व थर्टी वन थर्टी टू थर्टी ये टाइमिंग है तो अब देखिए हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या फाइंड आउट करना है व्हाट वाज दी पेशेंट्स टेम्परेचर एट वन पी एम वन पी एम पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था अब वन पी एम आप देखिए ये है इसके कोर्स में हमें यहाँ देखना है वन पी एम पे आप देखिए रीडिंग ये डॉट लगा हुआ है इस डॉट के कोर्स में वर्टिकल लाइन पे जो रीडिंग है वो कितनी है थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो इस अकॉर्डिंग जो ए पार्ट है हमारा उसका आंसर क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस अब करते हैं इसका बी पार्ट बी पार्ट में आप देखिए हमें क्या बताना है वट वॉज दी पेशेंट्स टेम्परेचर वेन वॉज दी पेशेंट्स टेम्परेचर थर्टी एट पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस अब हमें टाइम बताना है वो कौन सा टाइम है जब पेशेंट का टेम्परेचर कितना हो गया है थर्टी एट पॉइंट फाइव तो देखिए मैंने पहले ही ग्राफ को यहाँ आपको समझा दिया था ये थर्टी एट पॉइंट फाइव है टेम्परेचर अब हमें टाइमिंग देखनी है टाइम देखो यहां इसका डोट लगा होगा ये डोट लगा है अब इसके नीचे यहां ये देखिए टाइमिंग कितनी है ये है ट्वेल्व नून तो इस अकॉर्डिंग जो थर्टी एट पॉइंट फाइव जो टेम्परेचर है वो किस टाइम पे होगा ट्वेल्व नून तो बी पार्ट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा ट्वेल्व नून अब नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट सी पार्ट में क्या है पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम टू टाइम्स ड्यूरिंग दी पीरियड गिवन वट वर दीज टू टाइम्स अब दो टाइम ऐसे हैं जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर क्या रीडिंग है सेम है हमें वो दो टाइम बताने हैं ग्राफ पे तो आइए देखते हैं ग्राफ पे वो दो टाइम कौन से हैं जहाँ पेशेंट का टेम्परेचर सेम है वो दो डॉट ये देखिए आप ये दोनों डॉट सेम है और ये किस टाइमिंग पे है वन पी एम एंड टू पी एम तो इस अकॉर्डिंग जो सी पार्ट है हमारा उसका आंसर क्या आ जाएगा वन पी एम एंड टू पी एम ये वो दो टाइम है जिसपे पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या है सेम अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट क्या है जो इसका डी पार्ट डी पार्ट में हमें क्या बताना है वट वॉज दी टेम्परेचर एट वन थर्टी पी एम वन थर्टी पी एम पे टेम्परेचर क्या है हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर अब हमें ये बताना है वन थर्टी पी एम पहले टाइमिंग में हमें देखना पड़ेगा कि वन थर्टी कहां है ये देखिए वन और टू इसके बीच में जो ये लाइन है यहां क्या आ जाएगा वन थर्टी पी एम इस पर जो हमें रीडिंग बतानी है देखिए वन और टू की जो रीडिंग है वो सेम है यानी कि बिटवीन वन पी एम टू टू पी एम जो टेम्परेचर है पेशेंट का वो सेम है कॉन्स्टेंट है तो इसका मीनिंग है इसके बीच में जो भी टाइमिंग होगी वहां भी टेम्परेचर यही रहेगा और ये टेम्परेचर क्या है ये डॉट कहां पे लगी हुई है थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री तो पहले तो डी पार्ट में टेम्परेचर टेम्परेचर एट पीएम थर्टी पीएम वन थर्टी पीएम है पेशेंट का वो कितना आ जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस ये आ गया और हम यहां कैसे पहुंचे कि, क्या लिखना है कि वन एंड टू वन पी एम एंड टू ए पीएम पे टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट तो 130 थर्टी भी टेम्परेचर वही होगा जो 1 और 2 पी का है और वो टेम्परेचर क्या है 36.5 डिग्री अब करते हैं लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का फर्स्ट का डी पार्ट सॉरी लास्ट पार्ट है ई पार्ट ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड अपवर्ड मीनिंग ऊपर वो टाइम पीरियड हमें बताने हैं जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो देखिए पहले ग्राफ को रीड करते हैं फिर उसके भी हाँ पे देते हैं आंसर 9 ए एम टू 10 ए एम नाइन ए एम पे टेम्परेचर था 35.5 और 10 पे कितना है 36 यानी कि यहाँ इंक्रीज हुआ है तो फर्स्ट टाइम पीरियड तो कौन सा आएगा ई पार्ट में 9 ए एम टू 10 ए एम एक तो ये आ गया फिर आप देखिए और टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज हुआ है 10 ए एम पे 36 है और इलेवन पे कितना है थर्टी नाइन तो यहाँ भी इनक्रीज हुआ है थर्टी सिक्स से थर्टी नाइन तो यहाँ आप क्या लिख दोगे टेन ए एम टू इलेवन ए एम ये दो टाइम पीरियड आ गए अब देखिए इलेवन ए एम से ट्वेल्व ए नून ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है हमें तो अपवर्ड बताना है जो इनक्रीज है ये तो नहीं आएगा फिर ट्वेल्व नून से वन पी एम ये भी डिक्रीज है वन पी एम टू टू पी एम ये कॉन्स्टेंट है सेम वही लेकिन अगर जब आप चेक करोगे टू पी एम टू थ्री पी एम तो ये टेम्परेचर क्या आ गया है इंक्रीज तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टाइम पीरियड बनेगा जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज है वो क्या है टू पी एम टू थ्री पी एम तो ये हमारे आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर वन के अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है दी फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज दी इली सेल्स फिगर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब जो ये ग्राफ है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ये सेल का ग्राफ है कि 2002 में कितनी सेल हुई है ये टू फोर सिक्स जो भी लिखा हुआ है सेल वो लिखा हुआ है इन रुपीस करोड़ ये टू करोड़ है ये फोर करोड़ ये सिक्स ये एट ये टेन ये ट्वेल्व और ये ईयर है 2002 में थ्री में फोर फाइव एंड सिक्स इसका डाटा हमें गिवन है तो देखिए यहाँ टू का गैप है तो ये जो इसका हाफ़ होगा टू और फोर के बीच में क्या आएगा थ्री यहाँ पे फाइव ये सेवन ये नाइन और ये आ जाएगा इलेवन तो ये तो है वर्टिकल लाइन और ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन अब हमें ए पार्ट में क्या बताना है वट वर दी सेल्स इन टू थाउजेंड टू जो सेल है ए पार्ट ए के फर्स्ट में सेल इन टू थाउजेंड टू और इसके सेकंड पार्ट में सेल इन 2006 ये हमें बताने हैं बी पार्ट में पहले हम लिख लेते हैं इनको बी पार्ट में क्या है वट वर दी सेल इन 2003 तो सेल इन 2003 और सेल इन 2005 ये फर्स्ट पार्ट है बी का और ये है सेकेंड पार्ट चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ग्राफ को रीड करेंगे ग्राफ को रीड करके देखिए 2002 में जो सेल है वो क्या इसके कोरस्पॉन्ड क्या वैल्यू है ये फोर तो 2002 की सेल को हम क्या लिख देंगे फोर करोड़ उसके बाद सेल इन 2006, 2006 में ये सेल कितनी है ये देखिए डॉट जो लगा हुआ है उसे कॉरस्पॉन्ड वर्टिकल लाइन पे क्या वैल्यू है एट तो ये आ जाएगा एट करोड़ टू थाउजेंड सिक्स में जो सेल है वो है एट करोड़ फिर टू थाउजेंड थ्री में टू थाउजेंड थ्री की जो सेल है वो कितनी है सेवन सेवन करोड़ और टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड फाइव में जो सेल है उसे कॉरस्पॉन्ड वैल्यू कितनी है टेन तो यहां आ जाएगी वैल्यू टेन करोड़ तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर था फिर अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट सी पार्ट में पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन टू थाउजेंड टू एंड टू थाउजेंड सिक्स अब हमें इनके बीच में डिफरेंस लेना है किसके 2002 एंड 2006 के तो ये डिफरेंस कितना आएगा एट करोड़ माइनस फोर करोड़ तो कितने करोड़ आंसर आ गया हमारा फोर करोड़ क्योंकि टू थाउजेंड टू की रीडिंग है फोर करोड़ टू थाउजेंड सिक्स की है एट करोड़ इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा फोर करोड़ अब इसका जो डी पार्ट है डी पार्ट में देखिए क्या हमसे पूछा गया है इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर किस ईयर में किस साल में लास्ट ईयर से ज्यादा सेल हुई है सबसे मैक्सिमम वो रीडिंग हमें बतानी है 2002 में जो सेल है वो फोर करोड़ है 2003 में जो सेल है वो सेवन करोड़ है तो इन दोनों का फोर और सेवन का डिफरेंस कितना है थ्री का फिर 2003 टू 2004 ये कम सेल हुई है ये तो इसमें ऑप्शन में आएगा ही नहीं फिर आप देखिए 2004 टू 2005 2004 में सेल थी सिक्स करोड़ और 2005 में सेल है टेन करोड़ तो यानी कि फोर करोड़ है यहां और यहां पे कितने करोड़ का इंक्रीज है थ्री का और ये तो डिक्रीज है तो दो ही इंक्रीज वाले केस थे उनमें सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें हुआ है टू 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 स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया था इन विच ईयर वॉज देयर दी ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर किस ईयर में तो वो कौन सा ईयर है जिसमें सेल ज्यादा हुई है वो ईयर कौन सा है टू थाउजेंड फाइव तो इस अकॉर्डिंग जो डी पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा जो ईयर आएगा वो कौन सा आएगा टू थाउजेंड फाइव तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन सेकेंड का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन थर्ड में फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटनी टू डिफरेंट प्लांट्स प्लांट ए एंड बी वर ग्रॉन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर थ्री वीक्स द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ अब जो ये लाइन ग्राफ दिया गया है हमें इसको रीड करके हमें आंसर देने हैं पहले हम इसको समझते हैं कि दो प्लांट हैं प्लांट ए प्लांट ए को डिनोट किया गया है इस डोटेड लाइन से लिखा हुआ है प्लांट ए और डार्क लाइन है प्लांट बी के लिए यही रीडिंग अब हमें इसको देखनी है तो देखिए फर्स्ट वीक पे प्लांट ए की जो रीडिंग है ये डोटेड लाइन वाली वो कितनी है टू सेंटीमीटर और प्लांट बी की जो रीडिंग है वो कितनी है यहाँ वन सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा वन फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक तो उस पर जो प्लांट ए और बी दोनों की रीडिंग सेम है सिक्स और एट इसके बीच में यहाँ क्या आ जाएगा सेवन फिर एट द एंड ऑफ थर्ड वीक प्लांट ए की जो रीडिंग है वो कितनी है ए की रीडिंग यहाँ एट और टेन के बीच में क्या आएगा नाइन ए की रीडिंग तो क्या लिख देंगे हम नाइन और बी की रीडिंग क्या है टेन तो अब इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं पहला तो क्या है कि प्लांट ए की रीडिंग हमें बतानी है आफ्टर टू वीक आफ्टर टू वीक प्लांट ए की क्या रीडिंग है वो है सेवन सेंटीमीटर तो यहां क्या आ जाएगा सेवन सेंटीमीटर और थर्ड वीक पे देखिए थर्ड वीक पे क्या रीडिंग है प्लांट ए की जो डोटेड लाइन है ये वो कितनी है नाइन सेंटीमीटर तो थर्ड वीक का जो आंसर आएगा वो आएगा नाइन सेंटीमीटर फिर प्लांट बी की रीडिंग सेकंड वीक पे ए और बी दोनों की रीडिंग सेम है सेकंड वीक पे वो तो आ जाएगा सेवन सेंटीमीटर और थर्ड वीक पे देखिए थर्ड वीक पे जो रीडिंग है बी की वो कितनी है टेन सेंटीमीटर तो इस अकॉर्डिंग जो थर्ड वीक का आंसर आएगा वो आएगा टेन सेंटीमीटर इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है सी पार्ट सी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है सी पार्ट में हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक थर्ड वीक में कितना ग्रो किया है प्लांट ए ने तो अब आप देखिए सेकंड वीक में सेवन सेंटीमीटर थर्ड वीक की रीडिंग है नाइन सेंटीमीटर तो प्लांट ए ने कितना ग्रो किया है सेकंड से थर्ड वीक में टू सेंटीमीटर तो इस अकॉर्डिंग हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा नाइन सेंटीमीटर माइनस सेवन सेंटीमीटर तो आंसर क्या आ जाएगा टू सेंटीमीटर जो प्लांट ए ने ग्रो किया है किसमें एट द एंड ऑफ थर्ड वीक उसके बाद नेक्स्ट हाउ मच डिड द प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक अब प्लांट जो बी है हमारा उसमें सेकेंड वीक की रीडिंग है सेवन और थर्ड वीक की रीडिंग है टेन सेंटीमीटर तो इस अकॉर्डिंग जो थर्ड वीक के एंड में इसका जो इंक्रीज आएगा वो क्या आएगा टेन सेंटीमीटर में से सेवन सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर फोर प्लांट बी अब ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट किस वीक में प्लांट ए ने ग्रो किया है सबसे ज़्यादा तो आप ग्राफ को रीड करना पड़ेगा देखिए फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट वीक टू सेकंड वीक जो रीडिंग है देखिए फर्स्ट वीक की रीडिंग क्या है वन सेंटीमीटर और सेकंड रीड इसकी वीक की क्या रीडिंग है सेवन सेंटीमीटर तो कितना ग्रो किया है सॉरी ए प्लांट के लिए बात हो रही है तो फर्स्ट वीक की रीडिंग है टू सेंटीमीटर फोर प्लांट ए और सेकेंड वीक की जो रीडिंग है वो है सेवन सेंटीमीटर टू से सेवन यानी कि फाइव सेंटीमीटर तक ग्रो किया है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक किसने प्लांट ए ने और सेकंड टू थर्ड वो हमने बता दिया अब सेवन टू नाइन वो कितना हुआ था टू सेंटीमीटर तो सबसे ज्यादा ग्रो किस वीक में किया है सेकंड वीक में तो यही हमें बताना है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट ई पार्ट में तो लिखना है प्लांट ए ग्रो मोस्ट इन सेकेंड वीक कौन से वीक में ग्रो किया है उसने सेकेंड वीक में उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट एफ पार्ट में हमें बताना है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लिस्ट किस वीक में प्लांट बी ने सबसे कम ग्रो किया है तो अब आप, आप देखिए फर्स्ट और सेकंड इसमें देखिए फर्स्ट की प्लांट बी की क्या रीडिंग है वन सेंटीमीटर सेकंड की रीडिंग है सेवन सेंटीमीटर तो प्लांट बी ने वन से सेवन कितने ग्रो किया है सिक्स सेंटीमीटर और सेकंड वीक में आप देखिए सेकंड वीक में क्या है सेवन टू टेन तो सेवन टू टेन में कितना आएगा थ्री सेंटीमीटर तो जो हमारा एफ पार्ट है एफ पार्ट में हमें बताना है ये आंसर ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो मोस्ट किस वीक में सबसे कम ग्रोथ हुई है प्लांट बी की तो वो कौन सा वीक है जिसमें प्लांट बी की ग्रोथ सबसे कम है तो वो वीक है हमारा थर्ड तो लिख देना है यहां पे हमें प्लांट बी ग्रो लिस्ट इन थर्ड वीक किस वीक में हुआ है वो सबसे कम थर्ड वीक में अब है लास्ट पार्ट जी पार्ट जी पार्ट में हमें बताना है वर दी टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर किस वीक में दोनों की ही हाइट क्या है सेम है तो वो कौन सा वीक है सेकंड तो इन सेकंड वीक हाइट ऑफ बोथ प्लांट आर सेम हाइट ऑफ बोथ दी प्लांट्स आर सेम तो सेकंड वीक में दोनों ही प्लांट्स की हाइट क्या हो जाएगी सेम तो ये हमारा सोल्यूशन था थर्ड क्वेश्चन का तो इस वीडियो में हम इन थर्ड क्वेश्चन तक का ही सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में